सीएमओ डॉक्टर आशुतोष कुमार दुबे ने बताया कि WHO की मैराथन बैठक में हुई थी, जिसमें मंकी पॉक्स दुनिया के 80 देशों से ज्यादा देशों में वायरस पहुंच चुका है, जिसमें केरल में 3 और दिल्ली में 1 केस देखे जा चुके हैं तथा सभी देशों को रेड अलर्ट कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि अपने यहाँ भी जितने भी एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन, सभी जगह पर मंकी पॉक्स से संदिग्ध मरीजों की स्कैनिंग शुरू कर दी गई है और उत्तर प्रदेश सरकार ने आवश्यक गाइडलाइन भी जारी कर दी है तथा चिकित्सक भी ट्रेनिंग दी जा चुकी है और साथ ही साथ जिला अस्पताल में 10 बेड आरक्षित भी किए जा चुके हैं। उन्होंने बताया कि मंकी पॉक्स जैसी बीमारी से मृत्यु की कोई आशंका नहीं है, इससे केवल सर्दी, जुकाम, खांसी, सांस लेने की तकलीफ तथा शरीर में दाने पड़ने के लक्षण पाए जाते हैं। मंकी पॉक्स बीमारी किसी भी तरह का घातक नहीं है। करीब 14 से 21 दिन तक मरीजों को आइसोलेशन करना पड़ता है। उन्होंने इस बीमारी से बचाव के लिए कहा कि जिसको खांसी, जुकाम, सर्दी, बुखार जैसे लक्षण हैं, तो सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, सैनिटाइजर का उपयोग करते रहें। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए CMO डॉक्टर आशुतोष कुमार दुबे ने कहा, देखिए कल एक मैराथन बैठक WHO की हुई थी, जिसमें उन्होंने मंकी पॉक्स जो वर्तमान समय में दुनिया के 80 देशों से ज़्यादा देशों में प्रभाव अपना कर छोड़ चुका है और अब तो छोटे बच्चों में भी ये होने लगा है और इसके साथ ही 3 केसेस अपने यहाँ केरला में भी डिटेक्ट किए जा चुके हैं। इसको देखते हुए उन्होंने एक ग्लोबल इमरजेंसी घोषित कर दिया है। इसका मतलब है होता है कि सभी देश रेड अलर्ट हो गए हैं और उसी के सिलसिले में ये होता है कि आपके जितने एयरपोर्ट हैं, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे जो हैं, वहाँ पर स्क्रीनिंग कीजिए और वहाँ पर भी जो इस तरह के संदिग्ध मरीज हों उनको देखिए और उसी परिप्रेक्ष्य में अपने यहाँ भी जो है रेलवे स्टेशन और ख़ास करके जो लखनऊ का हवाई अड्डा है या जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं, वहाँ पर इसकी स्क्रीनिंग की शुरू कर दी गई है और हम लोग इसी तरह से पूरी तरह से तैयार हैं। हमारे उत्तर प्रदेश सरकार ने इसके लिए एक आवश्यक गाइडलाइन भी जारी कर दिया है और उसी के तहत जो है चिकित्सकों की ट्रेनिंग हो गई है और इसी के तहत जो है जिला अस्पताल में 10 बेड आरक्षित भी किए जा चुके हैं। अभी तक जो प्राप्त अभिलेख हैं उसके उन अभिलेखों के अनुसार मंकी पॉक्स एक क्रॉनिक डिजीज़ है और इसमें अभी मृत्यु रिपोर्टेड नहीं है। इसमें जुकाम, बुखार, खांसी, सांस की तकलीफ और इसके साथ एक क्लासिकल सिम्टम्स होता है, नोड्यूल्स लाइक दाने पड़ जाते हैं, ये लक्षण पाए जाते हैं और ये घातक नहीं होता है। करीब 14 से 21 दिन तक का आइसोलेशन करना पड़ता है, लेकिन जिन लोगों के शरीर की प्रतिरोधक क्षमता कम होती है, खास करके बच्चे, बीमार, बुज़ुर्ग, गर्भवती महिलाएं या क्रॉनिक डिजीज़ जिसमें जैसे HIV है, डायबिटीज़ है, प्रेगनेंसी है, कैंसर है, इन मरीज़ों को खास ध्यान लेने की ज़रूरत होती है। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से गोरखपुर की जनता को बतौर मुख्य चिकित्सा अधिकारी आश्वस्त करना चाहता हूं कि हम लोग किसी भी आकस्मिकता से निपटने के लिए तैयार हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी आप लोगों के संरक्षक हैं, वो पूरी तरह से इस बीमारी की देख रेख कर रहे हैं और कोई भी अगर कोई तरह की कोई ऐसी घटना नहीं गोरखपुर में घटने पाएगी। देखिए बेसिकली अभी बचने का उपाय ये है कि ये जो है खांसी, जुकाम, बुखार, URTI जैसे लक्षण हैं तो इसका जो पुराना सिद्धांत है सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, सैनिटाइजेशन और यही मेन चीज़ है। खास करके अगर आप कहीं ऐसे स्थान पर जा रहे हैं जहाँ पर अपरिचित लोग आते हैं या बाहर के लोग आ रहे हैं, वहाँ पर मास्क का प्रयोग करिए, अपने हाथ को सैनिटाइज करते रहिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए और जो भी हमारा रेस्पिरेटरी प्रोटोकॉल है, एटिकेट्स है, उसका फॉलो करिए, निश्चित आप लोग बचे रहेंगे।